अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल हरीम रकीम ट्रैवल्स। नाज़रीन, आज नरान से हम आए हैं, यहाँ बाबूसर लेक की तरफ जा रहे थे, तो अभी हमने ये स्टॉप करना है थोड़ी देर, खाना छाना खाना है। अभी दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ, तो यहाँ मून रेस्टोरेंट पे हम रुके रहे हैं अभी। जी, अभी मैं ये मौजूद हूँ बेसर के मकाम पर। बेसर भी लोग कुछ इसको कहते हैं, कुछ बेसल कहते हैं और कुछ बेसर कहते हैं। ये मून रेस्टोरेंट है पीछे, और यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टॉप किया। ये मून रेस्टोरेंट है, ये आ गई नरान की तरफ से, भट्टाकुंडी नरान की तरफ से रोड आ रहा है, और आगे ये जा रहा है जी उधर बाबूसर टॉप की तरफ। थोड़ा सा आगे जाके लेक बाबूसर है, और उसके आगे फिर बाबूसर टॉप है, और बाबूसर टॉप तक लोग जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। कुछ जो हैं वो आगे भी निकल जाते हैं बाबूसर टॉप से भी आगे, चलास और गिलगत वगैरह इसी रास्ते से। और जब बर्फ़बारी का सीज़न होता है, यहाँ पे बर्फ़ होती है, ये रोड बंद होता है, तो फिर वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो जो उधर से बशाम की तरफ से आता है, और उधर दूसरे एक और छोटे छोटे शहर हैं। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके थे खाना छाना खाने के लिए, तो अभी खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करके आराम करके तो फिर वापस जाने का प्रोग्राम है। असल में थक गए हैं बहुत ज़्यादा ना, सुबह के फिर के, तो अभी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आगे जाएं बाबूसर टॉप तक। वैसे तो यहाँ से जीप वगैरह मिल जाती है बाबूसर टॉप जाने के लिए, किराए पे मिल जाती है, तो लेकिन एक तो थोड़ी सी शाम हो रही है, टाइम थोड़ा है, और वैसे भी हम थक बहुत गए हैं, इसलिए आगे जाने का प्रोग्राम फ़िलहाल कैंसिल ही किया हुआ है। तो देखते हैं, अगर प्रोग्राम बन गया, बच्चे राज़ी हो गए, तो फिर आगे जाएंगे, वरना फिर यहीं से वापस। ये मून रेस्टोरेंट जो है बेसर, ये बड़ी शानदार इनकी सिटिंग है, और खाने का मियार भी इनका अच्छा है, और रेट भी इनके मुनासिब ही हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुनासिब रेट। जितने पीछे नारायण बाज़ार में है ना, वही रेट यहाँ पर हैं। बाकी और भी ये छोटे मोटे होटल वगैरह, टक शॉप वगैरह, कोई जिस मेडिकल स्टोर्स वगैरह, पिज़्ज़ा हाउस, इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। ये सामने छोटा सा ये भी कोई होटल बना हुआ है, होटल के कमरे शमरे यहाँ पे रहने के लिए मिल जाते हैं। इनके पास भी कमरे हैं, मून रेस्टोरेंट वालों के पास कमरे भी हैं, और खेमा और टेंट लगाने के लिए जगह भी मौजूद है इनके पास। अभी खाने का आर्डर दिए हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं, तो उम्मीद है कि हमारा खाना जो है वो तकरीबन आ गया होगा या आने वाला होगा। तो अभी मैं चलता हूं जाके देखता हूं क्या सूरत हाल है। ये पार्किंग है इनकी, वसी पार्किंग है, यहां पे आप अपनी गाड़ियां पार्क करें, ये भी पार्किंग है, और आगे फिर वो बैठने का बहुत खुला इन्होंने हाल बनाया हुआ है। ये जी खाना हमारा आ चुका है, ये चिकन कढ़ाई है, और साथ में रायता, सैलड और सादा रोटी, और अभी टिक्का पीस भी कहे हुए हैं हरीम ने, वो अभी आने वाले हैं बाकी, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और वो भी अभी आनी है। तो अभी हम खाना खा के तो फिर वापसी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं।